करनाल की पुरानी अनाज मंडी में एसबीआई बैंक शाखा में देर रात चोरों ने घुसकर एटीएम लूटने की कोशिश की है। गनीमत रहा कि ये कोशिश नाकाम रही। चोरों ने पासबुक कंप्लीट करने वाली मशीन को एटीएम समझकर उसको तोड़ डाला और पास में रखे दूसरे एटीएम को तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन चोरों को कामयाबी नहीं मिली। पुलिस व एससीएल की टीम मौके पर पहुंची। बैंक मैनेजर राजेश कुमार साहू ने बताया कि उन्होंने बैंक में आकर देखा तो बैंक का सामान बिखरा हुआ था। चोरों ने अंदर घुसकर कई अलमारियों को तोड़ डाला एवं एटीएम को भी तोड़ने की कोशिश की, परंतु चोर अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हुए। गौरतलब है कि करनाल में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है और चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे बैंक को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आते। फिलहाल बैंक के लॉकर व कैश रखने की जगह मजबूत होने के कारण चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। इस मौके पर फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर फिंगरप्रिंट्स लिए एवं आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। उन्होंने फ्रंट दरवाजे थोड़ा ऊपर कैंची गेट थोड़ा तोड़ने के बाद अंदर यहाँ से निकल के गए। वो तो क्या कुछ कितना चला चोरी हुआ? नुकसान के बारे में सर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बाकी ये है कि नुकसान तो हुआ ही है। कैश जैसे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, कैश का बचाव हो गया। हमारे जो लोग कर वो बहुत स्ट्रॉन्गली होता है, जिसकी वजह से कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया। क्या नाम आपका? सुरेश कुमार सर। पुलिस मौके पे? हाँ, मौके पुलिस आ गई थी तो उन्होंने इंक्वायरी की है। बाकी सीएफएल वाले भी आए हुए हैं, फॉरेंसिक लैब वाले सभी इंक्वायरी कर रहे हैं। बाकी है कि भाई जो हमारे लोकर में है, जैसे गोल्ड हो गया, कैश हो गया, वो उसको छीट दे पाए, क्योंकि चाबी ना ऑलमोस्ट ऑफिसरों की होती है। तो पूरे बैंक के जो परिसर में जितने भी कमरे थे सभी जगह उन्होंने चेक किया। क्या नाम है पूरा बैंक का? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रीन मार्केट करना। सबसे पहले कैमरा टारगेट करते हैं जी। हाइटिंग पासबुक मशीन को सर छेड़ा जाता है। पासबुक मशीन क्योंकि उनको पता हो सकता है, इनको लगा होगा कि ये एटीएम वगैरह है, तो इस चलते निकाल के ले गए। जब देखा कि प्रिंटर है तो वो छोड़ के वहीं पे भाग गए। आपको कैसे जानकारी मिली इसकी? सर हमने जब सुबह ब्रांच खोला तो उसके बाद पता चला कि ये सारी चीजें टूटी हुई थी, तो समझ में आ गया कि यहाँ पे चोरी हुई है। तो हो सकता है किसी मिलीभगत की किसी? सर ये तो पुलिस का काम है। वैसे मिलीभगत की बात होती तो बंदा पता है कि करेंसी चेस्ट इतनी आसान नहीं होती तोड़नी। अगर आप 24 घंटे लगातार भी करें तब भी करेंसी चेस्ट नहीं तोड़ पाते जी। उसकी चाबी के कॉम्बिनेशन के बिना खोल ही नहीं सकते, और वो दो अलग अलग बंदों के हाथ में होती है। पुलिस को कर दी? हाँ, पुलिस को कंप्लेन हमने दे दी, लेकिन पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो इसमें इन्वॉल्व है उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम राजेश साहू, मैं ब्रांच में हूँ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.